आप लोगों को पिकलिंग्स पसंद है? नहीं। और क्या आप खजाने से प्यार करते हो? यस। लेकिन फिर भी नेदर में जाने से आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आ चुका है आपके लिए इपिक डिपिक, जो कि आज नेदर में जाएगा, नए पिगलिंग ब्रूट्स को टॉर्चर भी करेगा एंड उनका सारा खजाना भी लूट के आएगा। तो क्या आपने इसी बात पे इस वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है? नहीं। देखो देखो, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके। तो यस गाइस, आज हम लोग वापस से बास्टियन रेमिनेंट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे नए ज़ॉम्बीज आ चुके हैं और उनका नाम है पिगलिंग ब्रूट्स। अब उनको तो टॉर्चर करना बनता है ना मेरे भाई। तो यस, उनको भी टॉर्चर करेंगे, लेकिन मैं फटाक से आपको एक ऐसे वेबसाइट का नाम बता दूं जहां से आप लोग घर बैठे ही पैसे कमा सकते हो, और इसका नाम है gamesop.com। ये एक इंडियन वेबसाइट है जहां पे आप लोगों को कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत करना है मुझे, और वो काम है मुझे अपने लिए एक छोटा सा नाम भूल गया स्टूपिड यार, उसका नाम भूल गया मैं, रुक जाओ बताता हूँ क्या बनाना था मुझे। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अरे कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, ये रहा। हाँ, मुझे ये बनाना है रीस्पॉन एंकर। इसकी मदद से हम लोग नेदर में वहीं पे स्पॉन होंगे जहाँ पे हम लोगों ने इसे रखा है। अगर गलती से भी मैं नेदर में टपक गया, जिसका चांस ऑब्वियसली 99.959% नहीं है, तो मैं इसका यूज करके वहीं पे स्पॉन ले सकता हूँ। तो फटाक से इसे भी बना लेते हैं। इसके लिए क्राइंग ऑब्सीडियन चाहिए एंड ग्लोस्टोन चाहिए हम लोगों को। तो फटाक से इस छोटे से काम को निपटा लेते हैं एंड ये बन गया हमारा रीस्पॉन एंकर। इसका यूज मैं पहली बार करने वाला हूँ, इससे पहले मैंने इसका यूज कभी नहीं किया। एंड सच्ची सच्ची बताओ तो इसे यूज करना मुझे नहीं आता। मैं ठहरा सच्चा गेमर, सच्चे गेमर ट्यूटोरियल नहीं देखते हैं। ओके, ये कुछ ज्यादा ही मैंने फेंक दिया। तो चलो गाइस, नेदर में चलते हैं एंड देख लेते हैं मेरे पास सब कुछ है ना। हाँ, सब कुछ है। ये फायर चार्ज रख लेता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है। एंड हाँ, ये सोने का जूता रख लेता हूँ। उन पिकलिंग्स पे मुझे अपनी अमीरगिरी जो दिखानी है। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास गेम में। तो चलो नेदरवा में जाते हैं एंड पिकलिंगवा को मार के आते हैं। एंड वी आर इन द नेदर, स्वागत नहीं करोगे हमारा? देखो तो, मेरी स्वागत के लिए पूरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पे। अरे ऐसे स्वागत करने नहीं बोला था। अभी इनके खानदान का नामो निशान मिटाता हूँ मैं। रुक जाओ, मैंने तुम लोगों को ये चीज नहीं ना दिखाया है कभी। ये बस एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है जो मैंने नेदर में किया है एंड ऊपर जाने में सदियों लगने वाले हैं, सदियों टाइम के बाद। तो ये देखो गाइस, मैंने ये छोटा सा वॉच टावर बना दिया ताकि मैं यहाँ पे आसानी से लैंड कर सकूं। नहीं तो इलाइट्रा से आता था एंड बूम, एकदम हमेशा क्रैश लैंडिंग रहती थी। एंड यहाँ पे नीचे मैंने स्लाइम ब्लॉक भी लगा दिया है, यहाँ से मैं यहाँ पे आराम से ट्विंग ट्विंग कर सकता हूँ ऐसे ऊपर नीचे। अरे फिर से मैं टाइम पास करने लगा। तो चलो गाइज, अब वो टाइम आ चुका है जब हम लोग आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। लेट्स गो। अरे ऐसे मुझे आसमान की ऊंचाइयों को नहीं छूना था, लेकिन चलो थैंक गॉड इस बार क्रैश लैंडिंग नहीं की मैंने। अरे यार, ये कहां मैं नेदर वेदर में आ गया, मैं उड़ के भाग रहा हूँ यहाँ से। नेदर वेदर नहीं चाहिए मुझे एंड नो थैंक्स, मुझे सोल और मॉर्टल वाली वैली में भी नहीं रुकना है। गेट इट, जोक समझ में आया? सोल स्वाइल, सोल मॉर्टल। अरे यार जोक मारा है, हंसो ना। हेलो भाई साहब, क्या आपने न्यू पिगलिंग ब्रूट्स को देखा है? अरे बात तो कर ले, उधर कहाँ भाग रहा है? क्या बात कर रहे हो, आपने अपने नए भाई को नहीं देखा? गलत बात है, देखना चाहिए था। और अब भागो भाई, पंगा ले लिया जानबूझ के, अब भागो भागो भागो। और फिर से मैं सोल मॉडल के वैली में आ गया। सोल मॉडल वैली ओपी इन द चैट बॉयज। भाई ये बैस्टियन रेमिनेंट तो सोल मॉडल वैली में ही था। तो चलो न्यू पिगलिंग ब्रूट से भी मुलाकात कर ली जाए। और ये देखो, यहाँ पे मुझे गैप दिख रहा है, लेकिन ना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं एकदम टॉप से इस बार नीचे जाऊंगा। और ये क्या है भाई, यहाँ पे लावा की फार्मिंग चल रही है क्या? लावा इतने फैशन डिजाइन से रखा हुआ है यहाँ पे। और वो देखो, सोना चांदी चमन पड़ास मुझे दिख भी गया। हाँ तो वो देखो, वहाँ पे दो दो मुझे सोना चांदी दिख रहा है। अभी लूटेंगे इन सभी खजाने को, लेकिन
पहले मैं ये तो लगा दूं, अगर गलती से भी मर गया, जिसका चांस है 99.959%, नहीं मरने का चांस मैं बोल रहा हूँ, मैं इतनी बार नहीं मरूंगा। तुम लोगों को क्या लग रहा था मैं मरने का चांस ही बोल रहा हूँ? यार गलत बात है, तुम लोग को अपने गेमर पेरो प्लेयर इपिक यूट्यूबर पे भरोसा ही नहीं है। गंदी बात गाइस, खराब लगा। एंड इससे मैं ये तो नहीं करना चाहता था। अरे मैंने सुना था इसे चार्ज करना पड़ता है, पता नहीं ऐसे चार्ज। अरे भैया इतने तेजी में कहां मतलब मुझे देखा नहीं कि कुल्हाड़ी मारना चालू? तो देखो यही है शायद न्यू पिगलिंग ब्रूट्स, कुल्हाड़ी लेके एकदम दौड़ जाते हैं तुम पे। अभी से बताता हूँ, मारे से पंगा लेने की कोई जरूरत ना है, मैं यहाँ इन्हें टॉर्चर करने आया हूँ एंड ये मुझे ही टॉर्चर करने लगा। तो देखो इसे मुझे चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता नहीं कैसे इसे चार्ज करेंगे। मुझे लगा था फायर चार्ज से चार्ज कर सकते हैं, तो अब लगता है मुझे ट्यूटोरियल देखना ही पड़ेगा। मानता हूँ कि मैंने बोला था कि इपिक लोग ट्यूटोरियल नहीं देखते हैं, लेकिन इस बार देखना पड़ेगा। अरे मतलब गजब है, बंदा एक सेकंड के लिए शांति से बैठ भी नहीं सकता। हद हो गई। एंड अभी इस घास के बच्चे को बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ये जलना तो बंद कर लूँ। अरे भैया हो गया, ठीक है मैं समझ गया कि मैं जल रहा हूँ। प्लीज अब 30 डिग्री बर्न दोगे क्या? और ये चीज तो फालतू निकला, इसके लिए मुझे ग्लोस्टोन चाहिए। अब मैं उसका इंतजाम नहीं करने वाला। चलो छोड़ो, वैसे भी मेरे मरने का चांस बहुत ही कम है। रुक जा, फिर भी सेफ साइड के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अगर गलती से मर भी गया तो सामान ढूंढने तो आ पाऊंगा। और ये देखो मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया gamesout.com का, जो मैंने टूर्नामेंट खेले थे उसके पैसे भी आ गए हैं। एंड चलो खजाना ढूंढते हैं, इधर सीढ़ी है तो नीचे चलते हैं। कोई खजाना इतने, पिछली बार जहाँ पे दीवार तोड़ रहा था वहीं पे खजाने की पेटी दिख रही थी मुझे, क्या इस बार भी वैसा होगा? तो खजाना कितने है? खजाना मुझे दिख नहीं रहा है। सदियों टाइम के बाद ये खजाना दिख गया है, खजाने में नेदरराइट स्क्रैप। ओ यस, ये काम की चीज मुझे मिली है। एंड इन्हें टॉर्चर तो करना बनता है ना मेरे बॉस। मेरे पास भी है, ये ले जल जा, तू भी जल जा, फिर से जल जा, तू भी फिर से जल जा। अरे भैया ढेर सारे पिगलिंग्स की मुझे आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ ऊपर जाता ही नहीं हूँ। एंड ये देखो गाइस ये कितना मस्त लोकेशन है, मैं यहीं से खड़े खड़े सबको स्नाइप कर सकता हूँ। तो वो देखो, वो रहा मेरा शिकार नंबर 1, पट से हेडशॉट। देखो कैसे दौड़े दौड़े आ रहा है मेरे तरफ। अरे रुक जाओ, पीछे मुझे फटाक से ब्लॉक करने दो, पता चला ये लोग मेरे सर के ऊपर चढ़ जाएंगे। अब सेफ हो गया, अब मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अब आराम से यहाँ पे बैठ के हम लोग करेंगे स्नाइपिंग। वो देखो वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? क्यों भाई कहाँ के नजारे लूट रहे हो? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। फिर से आ गए ये दोनों, येलो भाई हर शॉट मिस कर रहा हूँ। रुक जा, एक बार ऊपर जाने दो, ऊपर भी कुछ खजाना मिलेगा मुझे, और साथ में पिगलिंग ब्रूट्स भी कहीं ना कहीं दिखे जाएंगे। खजाना 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 किधर है? खजाना मुझे चाहिए खजाना। अरे यार खजाना दिख जाओ, खजाना दिखते क्यों नहीं? हर बार मुझे दीवाल तोड़ना पड़ेगा क्या? वो देखो वो रहे पिगलिंग ब्रूट्स। भाई साहब ये लो, एक बार फिर से लो, दो शॉट में तो ये लोग मर जाने चाहिए। अरे भैया ये इतना नजदीक कैसे आ गया? एंड गजब का डैमेज देता है ये, देख रहे हो? दो शॉट में मेरी हेल्थ आधी कर दी। अगर ऐसे 3-4 लोग तुम्हारे सामने आ गए ना तो समझ लेना तुम्हारी वॉट लगने वाली है। अरे हड्डी ऐसे 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 मतलब ऐसे क्यों? कोई मेरे पीठ पे खंजर भोके, मुझे ये पसंद नहीं। तो सच्ची में ऊपर नहीं है खजाना, मुझे बस वो देखो वहां पे खजाना दिख रहा है। साइड वाइड के एरिया में खजाना दिख नहीं रहा है मुझे, वहां का खजाना सबसे लास्ट में ढूंढेंगे, सबसे पहले इधर उधर तो खजाना ढूंढ ले। अरे ये दौड़ा इधर नहीं आ सकता, चलो ये सही हुआ। हड्डी बट्टे प्लीज ये लो और मर जाओ। ओह कोई मेरे नजदीक नहीं ना आ सकते हैं, इसकी आंख फोड़ ली मैंने। तो देखते हैं इस लेयर में हम लोगों को कहाँ पे खजाना मिलता है। ओ माय गॉड यहाँ पे भरे पड़े हैं ये लोग। सॉरी पिगलिंग ब्रूट भाई साहब, लेकिन आपका खजाना आज मेरा हो जाएगा। ओ भाई ये लो
ये लो। अरे यार ये लोग भी क्यों आ गए यहाँ पे? अभी मैं उन सभी को टॉर्चर कर रहा था ना, पहले मैं इन्हीं सब को टॉर्चर कर लेता हूँ। ये गया, वो भी गया, तो यहीं पे बैठ के मारूंगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, सब टपक जाओ। अब आराम से। थैंक गॉड कोई नहीं है, एंड साथ में खजाना भी नहीं है। तो देखो मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने पूरा टॉप से लेके बॉटम एकदम सही तरीके से ढूंढा है, लेकिन मुझे बस एक खजाने की पेटी दिखी है। और इधर उधर खजाना छुपा होगा, लेकिन मैं उसे ढूंढने वाला नहीं, टाइम लगने वाला है। एंड वैसे भी मेरा मकसद खजाना ढूंढना नहीं बल्कि पिगलिंग ब्रूट से मिलना था। ये देखो ये रहे, लेकिन बेचारे मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, तो हम लोग चुपचाप ये सेंटर वाला खजाना लेके निकलते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, यहाँ पे ये सारे भरे पड़े हैं। जैसे ही नीचे कूदूंगा मुझे पता है मेरी मौत गारंटी है, तो उसके लिए मुझे बैठ के पहले इन सब को टपकाना पड़ेगा। अरे यार बहुत सारे हैं यहाँ पे, सबको टपकाना पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पहले ये फायर रेजिस्टेंस पोशन पी लेता हूँ, अब नीचे जंप करता हूँ एंड फटाक फटाक, आई थिंक सो अब सेफ हूँ। फटाक फटाक सब कुछ लूटू, ओ माय गॉड, खजाना ही खजाना, सब कुछ खजाना। अब भागने दो मुझे ऊपर, प्लीज प्लीज। हाँ बच गया भाई, ढेर सारा खजाना था यहाँ पे, लेकिन डिस्क बहुत ज्यादा था, तो बस एक चेस्ट और बचा है लूटना। चलो फटाक सबों भी करते हैं, लेट्स लूटो, एंड पतली गली से सरक लो। अरे भाई निकल ले फटाक सा, प्लीज प्लीज। हाँ भाई, तो गाइज ये खजाना लूटना एकदम सही रहा। और रही बात उतने सारे गोल्ड की, ना इतना रिस्क लेना काफी नहीं है बस उतने सारे गोल्ड के लिए। गोल्ड तो मेरे घर में भरा पड़ा है, लिटरली भरा पड़ा है। तो चुपचाप पतली गली से सरक लेते हैं यहाँ से। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ बैस्टियन रेमिनेंट से जिंदा निकल के, एंड आज सही बोल रहा हूँ, आज अच्छा खजाना मिला मुझे। 2 नेदराइट इनगेट मिल चुके हैं, 1 नेदराइट स्क्रैप मिल चुका है, एंड 3 डायमंड की चीजें मुझे मिली हैं। तो आज का लूट बढ़िया रहा। एंड रही बात पिगलिंग ब्रूट्स की, तो वो तो बालक थे बालक। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब मारो, एंड gamesoft.com पे साइन अप करके डेली 5,00,000 तक की इनाम जीतो। तो साइन अप करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।